हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल फोस्टर एकेडमी एंड आई होप यू आर वेल एंड हेल्दी। दिस इज श्वेता पांचाल और स्वागत है आपका इस क्लास में, जो कि आपकी क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाली क्लास। तो इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे यूपी टीजीटी सोशल साइंस का पेपर 2013 का, और डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना हो, इसलिए बता दूं कि यहाँ पर इस वीडियो में, जैसे कि आपने देख ही लिया होगा थंबनेल पर भी, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस का जो सेट है वो डिस्कस किया जाएगा। अगर इसके अलावा आपके पास ज्योग्राफी का है तो उस सेट के लिए आप दूसरी वीडियो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जैसे वीडियो बनेगी उसमें मेंशन कर दी जाएगी। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर आपको पहले से ही पता है कि यूपी टीजीटी में आपके चार सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी और आपका इकोनॉमिक्स। तो इसमें से आपको चार में से सिर्फ दो सब्जेक्ट ही सेलेक्ट करने होते हैं और उन दो के ही आंसर देने होते हैं। तो या तो आपने हिस्ट्री सेलेक्ट किया है और अगर सिविक्स या फिर कह सकते हैं पॉलिटिकल साइंस, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्योंकि इसमें अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे क्वेश्चन सभी। इसके अलावा अगर आप टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको काफी सारी वीडियोज मिलने वाली यहाँ पर जो आपकी तैयारी में काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना और चैनल कर लेना सब्सक्राइब। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहले देखिए, यहाँ पर सबसे पहली बात आपको ध्यान रखनी है, जब भी आप एग्जाम में, अगर आप न्यू है बिल्कुल, आप पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, तो आपको ये बात ध्यान रखने वाली जरूर है क्योंकि बहुत बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं। और अगर आप पहली बार नहीं दे रहे एग्जाम, फिर भी आपको ध्यान रखनी है बात कि आपका जो फर्स्ट पार्ट होता है ना, इसमें आपके चार क्वेश्चन मेंशन होते हैं, ठीक है, चार क्वेश्चन। जैसे कि हिस्ट्री का एक क्वेश्चन आएगा, सिविक्स का एक क्वेश्चन आएगा, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स में से भी एक एक क्वेश्चन आएगा। इसमें से आपको कोई सिर्फ एक क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना है, ओनली वन, ठीक है। यानी अभ्यर्थी इनमें से किसी एक प्रश्न का उत्तर दे और आप इसको स्किप नहीं कर सकते, आपको आंसर देना ही होगा। क्वेश्चन नंबर वन देख लेते हैं यहाँ पर। यह मांग को निर्धारित करने वाला तत्व नहीं है। मांग का मतलब होता है डिमांड, और डिमांड और सप्लाई जो हम किसमें पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स में। तो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, इसका जो आंसर जाएगा तत्व नहीं है का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर थ्री। यानी मांग को निर्धारित करने वाले जो तत्व होते हैं उसमें व्यक्ति की आय भी होता है, कीमत भी होता है वस्तु की, और संपत्ति, और जो नहीं होता है वो है वस्तु की लागत। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर वन ही है। वन का बी पार्ट देख लेते हैं। ये जो बी पार्ट है आपका, ये है पोल साइंस से, और ये है वोट देने का जो अधिकार है वो एक किस तरह का अधिकार है। तो ये अधिकार है आपका संवैधानिक अधिकार, ठीक है। पार्ट वन का ही क्वेश्चन नंबर सी देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जो प्रक्रिया है वो रासायनिक अक्षय के से संबंधित नहीं है। तो इसका जो आपका आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर थ्री, यानी जल योजन। क्वेश्चन नंबर डी देख लेते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन था आपका ज्योग्राफी से था। ये वाला जो लास्ट वाला क्वेश्चन है ये आपका है हिस्ट्री से, ठीक है। और अगर आपने यूपी की वीडियोस नहीं देखी हैं, आपको डाउट है सिलेबस पर, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी आपको वीडियो लिंक, आप वहां जाकर सिलेबस देख सकते हैं। निम्नलिखित पशु समूह में से कौन सा जो समूह है वो मोहन जोदड़ो की पशुपति मोहर पर अंकित है। तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर, यानी व्याघ्र, गैंडा, भैंसा और हाथी इसके ऊपर अंकित है, मोहर के ऊपर। तो ये तो हो गया हमारा पार्ट, यही क्वेश्चन नंबर वन हमने पीछे देख ही लिया है। शर्ब एक तरीके का कर है और ये किस पर लागू होता था। तो ये जो शर्ब कर है, सबसे पहले तो इसका जो पूरा नाम था इस कर का वो था हक ए शर्ब, ठीक है। इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर, जल आपूर्ति बनाए रखने के लिए। यानी ये जो कर है ये सिंचाई से रिलेटेड था, ठीक है, किस चीज से, सिंचाई से रिलेटेड। और कौन से तुगलक शासक से रिलेटेड था, फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। इसने जो नहर प्रणाली का निर्माण किया था उसमें इस जो कर है, इस जो ये जो टैक्स है हके शर्ब, ये एक तरीके का उसने सिंचाई कर लगाया था बाद में उलेमा की मतलब स्वीकृति के साथ, उलेमाओं के साथ उनको एक्सेप्ट करवाने के बाद। और भूमि की उपज का 10% होता था ये पूरा, और हर साल इससे बहुत ज्यादा फायदा मिलता था, कम से कम 2 लाख टन के जो है उनकी आय हो जाती थी। क्वेश्चन नंबर थ्री देख लेते हैं। कौन से स्थल पर, आपको सिंपल सी बात पूछी गई है कि इनमें से कौन सा वह स्थल है, स्थल पर स्थित स्तूप, जिन पर ये स्तूप स्थित है, यानी ये वाला जो स्थल का नाम बताना, आपको जगह बतानी है कहाँ पर ये स्तूप है जहां पर अशोक के अवशेषों की पाषाण परोद्रत प्रतिमा बनाई गई है, ठीक है। यानी आपको रिलेट किया गया है, करने के लिए कहा गया है अशोक के अवशेषों को और इस जगह को। तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर, कनगनहल्ली। अभी कहां पर है, ये है कर्नाटक में, कहां पर, कर्नाटक में, और कर्नाटक के भी गुलमर्ग जिले में। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर देख लेते हैं अब क्या है इसका आंसर। कौन सा वो शासक है जिसने विचार दिया कि राज्य वास्तव में एक इस्लामी राज्य नहीं हो सकता है।
तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जलालुद्दीन ने। ठीक है, किसने? जलालुद्दीन तुगलक ने। तो जलालुद्दीन खिलजी आना चाहिए वैसे तो ये। ठीक है, इसका विचार क्या था कि राज्य वास्तव में एक इस्लामी राज्य नहीं हो सकता, और इसकी बात करें तो ये पहला ऐसा तुर्की सुल्तान था। ठीक है, कैसा? तुर्की सुल्तान था जिसने उदार निरंकुशता की बात की। उदार निरंकुशता, उदार निरंकुशता की इसने बात की। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। चतुष्पाद शिव प्रतिमा कहां पर है? चतुष्पाद शिव प्रतिमा कहां पर है? तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा आपका क्या? ये जाएगा ऑप्शन नंबर 4, खजुराहो में। ठीक है, तो खजुराहो से रिलेटेड कुछ यहाँ पर फैक्ट देख लेते हैं। वैसे तो क्वेश्चन आ ही जाता है यहाँ से, एक ना एक बनता ही है हर साल। सबसे पहली बात तो यही कि खजुराहो कहाँ पर है, ये है MP में, यानी ये है मध्य प्रदेश में। और जो चंदेल राजपूत शासक है उन्होंने इस नगर को मेनली सजाने का काम किया था, और यहाँ पर मंदिरों का भी भव्य निर्माण करवाया था। मध्य प्रदेश के भी छत्तरपुर जिले में है ये, छत्तरपुर जिले में। ठीक है, और रूलर की बात करें तो चंदेल राजपूत। क्वेश्चन नंबर 6 है, वह कौन सा ग्रंथ है जिसमें बुद्ध की कुशीनगर की अंतिम यात्रा का वर्णन किया गया है? तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महापरिनिर्वाण सूत्र। तो आपको पता ही है महात्मा बुद्ध जो है उनकी अंतिम यात्रा का वर्णन हुआ है इसमें। और बुद्ध की मृत्यु कौन कितने साल में हुई? तो लगभग 80 वर्ष के थे वो, लगभग 80 वर्ष की उनकी अवस्था थी, और 483 ईसा पूर्व की ये बात है। ठीक है, कुशीनगर की बात करें तो ये है कहां पर? यूपी के, अगर आज की बात करें, देवरिया। ठीक है, बस अब हुआ, उनके साथ हुआ क्या था? यहाँ पर एक चंदू व्यक्ति था, उसके द्वारा उन्होंने बनाया हुआ भोजन ग्रहण किया, जिसके बाद जो है उनकी मृत्यु हो गई थी कुछ टाइम बाद ही। ठीक है, तो बौद्ध धर्म में इसको क्या कहा गया है? महापरिनिर्वाण। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन चतुराई पूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा है? इनमें से कौन? ठीक है, तो बताइए इसका आंसर क्या जाएगा? इसका आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, जॉन लॉरेंस। कौन है ये? जॉन लॉरेंस। तो जॉन लॉरेंस जो है उन्होंने अहस्तक्षेप की नीति अपनाई थी, अहस्तक्षेप की नीति अपनाई थी। ठीक है, और ये किससे रिलेटेड थी नीति? ये थी अफगानिस्तान से रिलेटेड, और ईयर की बात करें तो 1866 की बात है ये। तो लॉर्ड लॉरेंस ने हस्तक्षेप की नीति अपनाई थी अफगानिस्तान के संबंध में 1866 में। ठीक है, जिसको शानदार निष्क्रियता का नाम से भी जाना जाता है, चतुराईपूर्ण निष्क्रियता या फिर शानदार निष्क्रियता। क्वेश्चन नंबर 8 है, यहाँ पर गंगा अवतरण का जो दृश्य है वो कहाँ चित्रित है? गंगा अवतरण का जो दृश्य है वो कहाँ पर चित्रित है? तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मामल्लपुरम। क्या है ऑप्शन? महाबल्लपुरम का मतलब होता है महाबलीपुरम, आपने नाम सुना होगा महाबलीपुरम। और ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में। महाबलीपुरम कहाँ पर है? तमिलनाडु में। और ये बात हो रही है किसकी? कौन से राजाओं से रिलेट करता है? तो ये रिलेट करता है पल्लव राजाओं से। कौन से राजाओं से? पल्लव राजाओं से। तो पल्लव राजा जो थे उन्होंने मंडप या फिर कह सकते हैं कि एकाश मंदिरों का निर्माण करवाया, जिनको रथ कहा जाता था। ठीक है, और इसके अलावा इन्हें सप्तगौड़ा भी कहा गया। इसे मेनली इन्होंने जो महाभारत है उसके दृश्यों को दिखाने की कोशिश की है, और यहाँ पर दुर्गा, इंद्र, शिव, पार्वती, इसके अलावा गंगा अवतरण, ठीक है, अर्धनारीश्वर, इसके अलावा हरिहर, ब्रह्म, स्कंद, बृहस्पति, इन सबके जो है ये भी अंकित किए हैं, ये भी इनका भी अंकन किया है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, महावीर जैन ने किस भाषा में अपना प्रवचन दिया? तो इन्होंने कौन सी भाषा में प्रवचन दिया था? आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन पूछा गया है। इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अर्ध मगधी। कैसे? मतलब आपको हर तरीके से यहाँ पर कोशिश की जाएगी समझने की कि आपने एक्चुअली में पढ़ा है या सिर्फ रटा है। तो अगर पढ़ा है तो आपने डीप स्टडी करी होगी उस चीज के बारे में। तो अर्ध मगधी का मतलब क्या है? कौन सी भाषा? प्राकृत भाषा। अर्ध मगधी का मतलब है प्राकृत भाषा। तो आपको ने आपने जो डायरेक्ट आप पढ़ते हैं ना वो पढ़ते हैं कि प्राकृत भाषा में दिए थे, लेकिन अर्ध मगधी जो है वो आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा से रिलेट नहीं कर पाते हैं, तो ये चीज ध्यान रखनी है। 9 हो गया, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। यहां पर पानीपत के तृतीय युद्ध में, पानीपत के जो तीसरी लड़ाई थी उसमें मराठों की ओर से लड़ते हुए मरने वाला मुसलमान सेनानायक कौन था? तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, इब्राहिम खान गार्दी। इब्राहिम खान गार्दी। और ये युद्ध कब हुआ था? 14 जनवरी 1761 में, ठीक है, 1761 में ये युद्ध हुआ था। दिल्ली के पास है पानीपत, और इसी मैदान में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में ये हुआ था युद्ध। और इसमें ये जो था इब्राहिम, ये तोप खाने का नेतृत्व कर रहा था। किसका? तोप खाने का नेतृत्व, ठीक है। और लड़ते लड़ते इसकी मृत्यु हो गई। क्वेश्चन नंबर 11 है, आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो आंसर जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4, बंबई में। किसने की थी स्थापना? स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, ठीक है ना, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। कौन से ईयर में हुई थी आपसे अगर ये पूछा जाए तो? 1875 में, 1875 में, ठीक है ना। इतना फैक्ट आपको बहुत जरूरी है जानना। इसके अलावा एक चीज और है कि इन्होंने मेनली इस चीज में, इसका अगर हम मुख्यालय की बात करें तो ये आर्य समाज का मुख्यालय कहाँ? लाहौर में, उस वक्त लाहौर में था। और वैदिक धर्म की इन्होंने बात की, इसके शुद्ध रूप की इन्होंने बात की, ठीक है। चलिए, सभी को एकता के सूत्र में बांधने की बात भी की गई सर इसके द्वारा, आर्य समाज द्वारा। 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का जो प्रचार है वो किसने किया? तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, मौलवी अहमद उल्ला, ठीक है। और फैजाबाद से थे ये, ठीक है, कहाँ से थे? फैजाबाद से इन्होंने मेनली नेतृत्व किया था। और इनसे बहुत ही ज्यादा आतंकित थे, एक तरीके से डरे हुए थे अंग्रेज, क्योंकि इन्हें पकड़ने के लिए तो इनाम भी रखा गया, लगभग 50,000 रुपए का इनके ऊपर इनाम भी घोषित किया गया था, ठीक है। और लास्ट में कह सकते हैं कि इनको फिर इनकी गोली मार के इनकी हत्या कर दी गई थी 1858 में, रुहेलखंड से पकड़कर। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं अब। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी? तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, ठीक है। और इसमें क्या कहा गया था कि अगर इमरजेंसी कंडीशन हो तो विधानसभा की सलाह के बिना ही अध्यादेश जारी जो है वो किया जा सकता है, और कितने? 6 मास के लिए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 हमारा। उस गुप्त और वाकाटक रानी का नाम उल्लेख कीजिए, बताइए, यानी उसका नाम बताइए जिसने अनुदान स्वरूप भूमि दी थी। क्या किया था? अनुदान स्वरूप भूमि दी थी, अनुदान के लिए भूमि दे दी थी। तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, प्रभावती गुप्ता, ठीक है। क्या है ये आंसर? प्रभावती गुप्ता। तो 14 का आंसर है यहाँ पर 2। और ये किसकी पुत्री थी? सबसे पहले तो आपसे अगर पूछा जाए तो ये थी चंद्रगुप्त 2 की पुत्री, है ना। और वाकाटक नरेश रुद्रसेन 2 की रानी थी। अगर पूछा जाए कि रानी किसकी थी, ठीक है, पुत्री किसकी थी? चंद्रगुप्त द्वितीय की, और रानी थी वाकाटक नरेश रुद्रसेन 2 की, ठीक है। और ये कैसी महिला थी? एक बहुत ज्यादा धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी, और भगवान विष्णु में इनकी बहुत ज्यादा आस्था थी, ठीक है। तो इन्होंने जो है दान कर दी थी भूमि। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, जवाबित। जवाबित, जवाबित जो है वो क्या थे? आपको बताना है आंसर। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही रहेगा, राज्य कानून। ये एक तरीके का राज्य का कानून था। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। जीव शक्ति है, जीव शिव है, इस सिद्धांत का जो प्रचलन है वो किसने किया था? तो इसका जो आंसर जाएगा 16 का वो जाएगा 4, रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस, तो रामकृष्ण परमहंस को इस और क्या बोला जाता था? दक्षिणेश्वर के स्वामी, दक्षिणेश्वर के स्वामी किसको बोला जाता? रामकृष्ण परमहंस को, ठीक है। तो दक्षिणेश्वर के स्वामी बोले जाने वाले रामकृष्ण परमहंस के स्वामी विवेकानंद जी क्या थे? परम शिष्य थे। ये भी आपको ध्यान रखना है, उनको जीव शिव ही बोला गया। इन्होंने जीव शिव का जो सिद्धांत था उसका प्रचलन किया था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। ये आपका जिल अल्लाह जो राजाधिकार संबंध अवधारणा है किसके द्वारा या किससे संबंधित है? तो इसका आंसर जाएगा आपका ए ही है, वन ही है।
बलबन द्वारा, बलबन जब आप प्रेपरेशन करेंगे ना इस एग्जाम की, तो बलबन को काफी अच्छे से पढ़ के जाना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे आ सकते हैं बलबन की तरफ से। तो बलबन जो है वो राजस्व सिद्धांत की, उसके जो राजस्व सिद्धांत है उसकी विशेषता यही थी कि उसने अपने आप को तो पहले ईश्वर की बात की कि जो मेरे काम है वो ईश्वर के प्रतिनिधित्व के तौर पर मुझे देखो, ठीक है, और बस ये चीज है। और इसका मतलब होता है, जिल उल्ला का मतलब होता है ईश्वर का प्रतिबिंब, ईश्वर का प्रतिबिंब, यानी प्रजा को अपने राजा को ईश्वर के प्रतिबिंब की तरह देखना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास। सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अध्यक्ष है वो कौन बना? 18 नहीं है ना, ध्यान रखना आपको, मैं बोल रही थी कि 8 कहाँ से हो गया, यह है 18। सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन हुआ? तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजेंद्र प्रसाद। कौन? राजेंद्र प्रसाद। तो ये बात कब की है? 1939, 1939। इसमें अधिवेशन था त्रिपुरी अधिवेशन, इसमें अध्यक्ष पद का जो चुनाव है उसमें जो है वही चीज थी, बात हुई थी किसको बनाया जाए। तो यहाँ पर क्या है, गांधी जी का ने एक पूरा विवाद हुआ, और गांधी जी के विवाद के कुचल चलते काफी टाइम हो गया, तो इस वजह से सुभाष चंद्र बोस है उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था, और फिर उनके स्थान पर किसको लाया गया, अध्यक्ष बनाया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अध्यक्ष पद के लिए भी तो बहुत झगड़े हुआ करते थे ना, सब जो जितने मेंबर हुआ करते थे वो बोलते थे कि इसको बनाया जाए अध्यक्ष, बाकी मेंबर बोलते थे कि इनको बनाया जाए इस बार अध्यक्ष, तो वही चीज थी। उस अंग्रेज अधिकारी का नाम बताइए जिसने चंद्रगिरी के शासक के वर्ष 1639 में मद्रास पट्टे पर लिया था। तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, फ्रांसिस डे। फ्रांसिस डे 1639 की बात है, ये ध्यान रखना आपको, 1639, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अंग्रेजों ने एक है फोर्ट सेंट जॉर्ज नामक जो किला है उसकी स्थापना भी की थी, ठीक है, 1861 के आगरा में राधा स्वामी सत्संग की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर बताइए जल्दी से क्या होगा, इसका आंसर होगा 3, स्वामी शिव दयाल सिंह, स्वामी शिव दयाल सिंह। तो राधा स्वामी सत्संग जो है उसकी स्थापना कब हुई थी? 1861 में, ये पहली बात है, ठीक है। और किसने की थी? शिव दयाल खत्री, यानी तुलसी राम भी इनको कहा जा सकता था, उन्होंने आगरा में। सिंह की जगह अगर एक वर्ड और आ जाए खत्री तो भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, तुर्कान ए चहलगानी, ये जो क्वेश्चन है ये ना रिपीट हुआ है 2021 के एग्जाम में भी, तुर्क के चिलगाने का उल्लेख सबसे पहले किसने किया? लेकिन क्वेश्चन की फॉर्म चेंज कर दी इन्होंने, दूसरे तरीके से पूछा था, तुर्क के चिलगाने जो है उसका उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, फुतुल सला तीन, ठीक है, ये रहेगा इसका आंसर। तो इल्तुतमिश ने विरोधी जो सरकार, विरोधी जो सरदार थे उनको परास्त करने के लिए एक एक ग्रुप की स्थापना की, वफादार गुलाम अमीरों की, जिनको सरदार भी कहते थे, ये उनकी एक टुकड़ी रखी, यानी ग्रुप ऑफ 40, 40 का ग्रुप था ये, तुर्क चिलगानी क्या था? ग्रुप ऑफ 40, यानी 40 सरदारों का ग्रुप था, और ये काफी पावरफुल था। अगर फुतुहुल उल सलालीन, ये इसका आंसर है, फुतुहुल उल उल भी लिखा आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, अल सलालिन। अब बात यह है कि जो चहलगानी ग्रुप ऑफ 40, इसको किसने खत्म किया था? तो इसको सबसे पहले इसको खत्म करने का काम किसने किया था? इसको खत्म करने का काम किया था बलबन ने, क्योंकि बलबन काफी टाइम से दरबार में रह रहा था, उसको पता था कि प्रॉब्लम्स हो सकती हैं अगर तुर्की चहलगानी को के एग्जिस्टेंस को रहने दिया जाए तो। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित नहीं है? तो इसका आंसर जाएगा, प्रस्थान त्रयी में क्या सम्मिलित नहीं है? इसमें भगवती गीता है, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र सम्मिलित होता है, और क्या सम्मिलित नहीं होता है? इसमें उपनिषद सम्मिलित नहीं होता, यानी उपनिषद इसका पार्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23, शंख लिपि के लेख निम्नलिखित स्थल में स्तूप अवशेष से प्राप्त हुए हैं? तो यहाँ पर जो आंसर जाएगा वो जाएगा 1, भरभूत। क्या है आंसर?
भरहूत। 23 का आंसर है आपका वन, क्या है ये, भरहूत है ना। चलिए नेक्स्ट देख लेते क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन सा जो बंदरगाह है, कौन सा पोर्ट है, पोर्टू के नाम से दी परिपल्स ऑफ दी इरिथ्रियन सी के जो लेखक है उनको ज्ञात था, ठीक है, इस पोर्ट के बारे में उनको पता था, तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा वन, अरिकमेडू, ठीक है। यानी ये कहाँ की बात है, अरिकमेडू की, ये जो बंदरगाह है यहीं पर था अरिकमेडू में। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 24 है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो बुक है पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी, इसमें बंदरगाहों की एक क्या है, एक तरीके से लिस्ट मेंशन है इस बुक के अंदर, तो इसमें ही अरिकमेडू जो है उसके पोडुको, अरिकमेडू को ही पोडुको कहा गया है, अरिकमेडू को ही क्या बोला गया है, पोडुको। तो आपको इस चीज से रिलेट, तो इन्होंने डायरेक्ट क्वेश्चन में ये तो पूछ लिया है कि पोडुको कौन सा बंदरगाह है, तो ये अरिकमेडू ये बंदरगाह का नाम है, ठीक है ना। 23 पर है अभी हम, देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। 24 हो गया, 25 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने धर्म महाराजा की उपाधि धारण की थी, जिसका औचित्य उसके द्वारा अश्वमेघ सहित अनेक वैदिक यज्ञों के संपादित करने से सिद्ध होता था, तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वन, प्रवरसेन प्रथम, ठीक है ना। तो प्रवरसेन प्रथम जो है उसने चार अश्वमेघ यज्ञ करवाए थे और एक वाजपेय यज्ञ करवाया था, चार तो करवाए थे अश्वमेघ यज्ञ और एक करवाया था वाजपेय यज्ञ, ठीक है। इसके अलावा कुछ और भी वैदिक यज्ञ थे उसने, वो भी अनुष्ठान करवाए थे, और इसी में ही उसने क्या किया था, धर्म महाराजा की खुद को उपाधि दे दी थी। क्वेश्चन नंबर 26, किसके विरुद्ध शाहजहां ने करतारपुर का युद्ध लड़ा था, इसका जो ऑप्शन है वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थ्री, गुरु हरगोविंद सिंह। तो एक डकैत था जिसका नाम क्या था, एक व्यक्ति था इसका नाम क्या था, बजी चंद, ठीक है। एक विख्यात क्या था, विख्यात क्या, डकैत विख्यात कैसे हो सकता है, जो गुरु गोविंद सिंह का क्या था, एक शिष्य था, ठीक है। तो इसने क्या किया, शाही घुड़साल से दो अच्छे से एक घोड़े चुराकर गुरु को भेंट कर दिए थे, और फिर गुरु ने उनको क्या कर लिया था, स्वीकार। तो इसी चीज को लेकर, इसी इशू को लेकर, इसी मुद्दे को लेकर कब 1613 में करतारपुर नाम की जगह पे गुरु गोविंद सिंह और शाहजहां के बीच में क्या हुआ था, युद्ध हुआ था। तो पूछ सकते हैं यहाँ से, युद्ध किसके बीच में हुआ था, तो ये शाहजहां के विरुद्ध युद्ध हुआ था, गुरु गोविंद सिंह और शाहजहां। क्वेश्चन नंबर 27, भागीले की जो मुद्राएं हैं निम्नलिखित में से प्राप्त हुए हैं, भागीले की मुद्राएं, तो इसका आंसर जाएगा 4, नर्मदा घाटी से, कहां से, नर्मदा घाटी से प्राप्त हुए मेनली। क्वेश्चन नंबर 28, तमिल जो कवि हैं उनके तीसरे संगम की पीठ कहाँ थी, तमिल कवियों के तीसरे संगम की पीठ कहाँ थी, तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कहाँ पर, मदुरई में, कहाँ, मदुरई में। तृतीय संगम क्या था, स्थान है उत्तरी मदुरई, और अध्यक्ष कौन था, नक्कीरर, और संरक्षक कौन था, पांड्य शासक, संरक्षक था यहाँ पर पांडेय शासक। क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं आप, किस काल में के मंदिर की वास्तुकला में सर्वप्रथम गंगा और यमुना की आकृतियां आती है, तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, गुप्त, ठीक है। गंगा यमुना की अगर मूर्ति की बात करें तो गुप्त काल में ही कह सकते हैं कि ये मिली है, और ये जो मूर्ति है ये तिगवा नामक स्थान से विष्णु मंदिर में मिली थी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30, जाति मीमांसा के लेखक हैं कौन, श्री नारायण गुरु, कौन है, श्री नारायण गुरु। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से अशोक की कौन सी शिलालेख धार्मिक सामंजस्य के विषय में कहती है या फिर बताती है, तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, बारवा अभिलेख, इस बारे में कौन बताता है, बारवा अभिलेख बताता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 32, रुद्रमा देवी किस वंश की रानी थी, रुद्रमा देवी किस वंश की रानी थी, तो ये थी वारंगल के काकतीय वंश, वारंगल के
कौन से वंश की? काकतीय वंश में, ठीक है। और ये जो काकतीय वंश की थी, शासक ही गणपति की पुत्री थी। शासक का नाम क्या था? गणपति। तो 1259 में, 1259 से लेकर के 1295 तक शासन किया इन्होंने। और मार्को पोलो जो था एक यात्री था, उसके शासनकाल में ही आया था। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से कौन चोल वंश का राजस्व अधिकारी था? इनमें से कौन चोल वंश का क्या था? राजस्व अधिकारी। तो ऑप्शन 4 इसका बिल्कुल सही रहेगा, वीर टप्पो तागक्का, ठीक है, ये है इसका प्रॉपर आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित संतों में से किसे उसके अनुयायी विष्णु का अवतार मानते हैं? यानी कौन से व्यक्ति को उसके जो अनुयायी हैं वो विष्णु का अवतार मानते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा, चैतन्य। कौन? चैतन्य। 34 का आंसर है यहाँ पर चैतन्य। क्वेश्चन नंबर 35, यहाँ पर बेसिन की संधि 1802 में हुई, ये किस किसके बीच में हुई थी? तो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अंग्रेज और पेशवा बाजीराव द्वितीय के बीच में, ठीक है, पेशवा बाजीराव। अगर हम यहाँ पर बात करें ना चैतन्य की, चैतन्य महागुरु, तो चैतन्य का वास्तविक नाम भी पूछ लिया जाता है। तो चैतन्य का वास्तविक नाम जो था वो था विश्वंभर, 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 ठीक है, विश्वंभर। क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं अब हम। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के शासन क्षेत्र को हिंद और सिंध शब्द का प्रयोग किसने किया? तो इसका आंसर बताइए क्या है? इसका आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, इब्न बतूता ने, ठीक है, किसने? इब्न बतूता ने। तो इब्न बतूता कहां से था? मोरक्को से, मोरक्को से था, ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है आपको। ये एक यात्री था, मोरक्को से आया था, और इसने एक बुक लिखी जिसका नाम क्या था? रहेला। क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं अब हम। मिर्जा राजा की मुगल पदवी किसने, मिर्जा राजा की मुगल पदवी किसे प्रदान की गई थी? तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, जय सिंह को। किसको? जय सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, किस मूर्ति कला में सबसे पहले रामायण से दृश्य प्रकट हुई? तो इसका आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, नचना कुठार, नचना कुठार। क्वेश्चन नंबर 39, कौन सा दिल्ली सुल्तान हिंदू योगियों और मुस्लिम फकीरों के साथ बातें करते थे, या उनके साथ उसने बातें की? तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक इसका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 40, चोल सम्राटों के अधीन कुर्रम क्या था? चोल सम्राटों के अधीन कुर्रम क्या था? तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 4, कुछ ग्रामों का समूह, यानी कुछ गांवों का समूह। क्वेश्चन नंबर 41 देख लेते हैं, वह कौन सा प्रथम राज्य था जिसके विरुद्ध अलाउद्दीन खिलजी ने हमले की शुरुआत की थी? तो इसका जो आंसर जो है जाएगा ऑप्शन नंबर 2, रणथंभौर। क्या है? रणथंभौर, ठीक है ना। 41 का आंसर है यहाँ पर रणथंभौर। अलाउद्दीन खिलजी जो है ये आपको पता ही है, इसने 1301 में, कब? 1301 में रणथंभौर पर आक्रमण किया था, ठीक है। और उस वक्त वहां पे चौहान वंशी राजा हम्मीर देव शासन करता था। कौन? हम्मीर शासन करता था। क्वेश्चन नंबर 42 देख लेते हैं आप, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था? ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ये उस वक्त उपस्थित नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 43 देख लेते हैं, किस मंगोल सेनापति ने अलाउद्दीन खिलजी को हराया था? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 1, तरगी। क्या आंसर है ये? तरगी। तो 43 का आंसर है 1। अच्छा, मंगोलों का चौथा आक्रमण है वो कब हुआ था? 1303 में, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और ये चौथा आक्रमण था, फोर्थ नंबर का ये उनका आक्रमण था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 देख लेते हैं, सबसे पहले चार आश्रमों का वर्णन आया
वह कौन सा उपनिषद था जिसमें इनकी बात की गई? तो ये आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 4, जबालोपनिषद, जबालोपनिषद। ठीक है, 44 का आंसर है 4। तीनों आश्रमों का सबसे पहले वर्णन छांदोग्य उपनिदेश में उपनिवेश सॉरी छांदोग्य उपनिषद में हुआ था, और चारों जो आश्रम है उनका वर्णन किसमें किया गया था? ज्वालोपनिषद में। ठीक है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वामप्रस्थ, और लास्ट वाला क्या होता है? संन्यास। क्वेश्चन नंबर 45, नादिर शाह द्वारा बंदी बनाया गया मुगल बादशाह कौन था? तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मुहम्मद शाह। क्या आंसर है? मुहम्मद शाह। और नादिर शाह ने आक्रमण कब किया था भारत पर? ये इंपॉर्टेंट है, 1738 to 39। इस बीच में इसने भारत पर आक्रमण किया, और ये फिर क्या हुआ, करनाल होते हुए युद्ध लड़ते लड़ते करनाल युद्ध में मुगल सेना बुरी तरीके से इसमें पराजित हुई थी, और दिल्ली में भी लूटपाट जो है वो काफी ज्यादा हुई थी। ठीक है, तख्ते जो ताउस है उसको भी यहाँ से हटा लिया गया था, और मुगल ताज में सबसे ज्यादा जो महंगा एक डायमंड था कोहिनूर, उसको भी यहाँ से उठा लिया गया था, ले जाया गया था वापस। क्वेश्चन नंबर 46, एनी बेसेंट द्वारा आरंभ किया गया स्वराज शासन आंदोलन का इंपॉर्टेंट रोल क्या था, या फिर उसका लक्ष्य क्या था? तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, भारत के लिए स्वशासन प्रारंभ करना। भारत के लिए स्वशासन यानी हमारा जो शासन है खुद हम करेंगे अपने हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉबर्ट क्लाइव ने मुगल शासक के बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी किस वर्ष में स्वीकार कर ली थी? तो इसका जो आंसर है 47 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, 1765 में, 1765 में। ठीक है, 1764 है वैसे तो, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन है वो इस तरीके से दिया हुआ है, तो 1765 है। एक तरीके से हम बात करें तो ये संधि के वक्त की बात हो रही है। ठीक है, तो इस वक्त संधि हुई थी 1765 में, 12 अगस्त 1765 में। क्वेश्चन नंबर 48 है, यहाँ पर वली और अमीर के पदों को किसने पृथक कर दिया था, यानी इन दोनों ही पदों को बिल्कुल एक दूसरे से सेपरेट कर दिया गया था, क्या कर दिया था? गया था एकदम अलग, ये किया था मोहम्मद तुगलक ने। किसने? मोहम्मद तुगलक ने। इसने ही क्या शुरुआत करी थी, एकता जो व्यवस्था थी, कौन सी? एकता व्यवस्था, ये कह सकते हैं एकता व्यवस्था इसने शुरुआत नहीं की थी, इसने किया था उसमें मेनली सुधार किया था, यानी काफी इम्प्रूवमेंट किए थे उसमें, और मुक्ता और वली से क्या हुआ, इसने राजस्व के जुड़े हुए अधिकार वापस लेकर उसको क्या बना दिया था, वली उल खराज। ठीक है, एक नया अधिकार बना दिया गया था, वली उल खराज, जैसे उसने नया एक पद बना दिया था, अधिकार बना दिया था। क्वेश्चन नंबर 49, अहमद शाह ने 1748 में सफदरजंग को किस पद पर नियुक्त किया था? तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, साम्राज्य का वजीर। कौन? साम्राज्य का उसको वजीर बना दिया था। और 50, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र भारत में डच वाणिज्यिक केंद्र नहीं था? डच वाणिज्यिक केंद्र नहीं था, इसका आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, हुगली। क्वेश्चन नंबर 51, 1888 में हुए प्रथम राष्ट्रीय सामाजिक आंदोलन के अधिवेशन जो कि मद्रास में हुआ था, तो आपको ध्यान रखना 1888 में अधिवेशन मद्रास में हुआ था, इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, या फिर इसकी जो अध्यक्षता है वो किसने की थी? तो इसका आंसर जो जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, टी माधवराव। टी माधवराव इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, टी माधवराव। नेक्स्ट देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर अपना 52, निम्नलिखित में से कौन एक संस्कृत के विद्वानों की सहायता से दारा शिकोह द्वारा तैयार किए गए उपनिषदों के फारसी अनुवाद को प्रस्तुत किया गया है? तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सिर ए अकबरी, या फिर सिर ए अकबर, या फिर सिर अल असराल, असरार। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55, अकबर ने फरजंद की जो उपाधि है वो किसे दी थी? फरजंद की उपाधि किसको दी थी? तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, राजा मान सिंह को। किसको? राजा मान सिंह।
निम्नलिखित में से अजंता के किस गुफा में मरणासन राजकुमारी का दृश्य अंकित किया गया है? ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है स्टार्टिंग से ही, तो इस तरह के क्वेश्चन जब वो बोले जाते हैं ना अलग से कि इंपॉर्टेंट है, तो उसको ध्यान रखना चाहिए आपको। तो इसका जो आंसर जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 54, ठीक है, कौन सा है ये? ये है आपका जो मरणासन राजकुमारी है, ये है आपका गुफा नंबर 16 में, गुफा नंबर 16, ठीक है, गुफा नंबर 16 है इसका करेक्ट आंसर। और उसको आप याद कैसे रखेंगे? सो गई सोते सोते मर गई, ठीक है, मरणासन राजकुमारी, सो गई से 16 है ना, और फिर सोते सोते मर गई, आपको इस तरीके से याद रखना है मरणासन राजकुमारी। ये बहुत ज्यादा एक सुंदर और आकर्षक चित्र है, और इसमें क्या होता है पति के विरह में ये मरती भी दिखाई गई है। क्वेश्चन नंबर 55 है, कांग्रेस ने मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल को स्वीकार किया था कब? तो इसका आंसर जाएगा वन लखनऊ समझौते में, कब? लखनऊ समझौते में, ठीक है। और इसको कांग्रेस लीग योजना के नाम से भी एक तरीके से जाना जाता है समझौते को। क्वेश्चन नंबर 56, सुल्तानगढ़ी किसका मकबरा था? सुल्तानगढ़ी किसका मकबरा था? तो इसका आंसर जाएगा नसरुद्दीन महमूद, नसरुद्दीन महमूद इसका करेक्ट आंसर रहेगा। और इसका जो निर्माण है वो इल्तुतमिश ने कब करवाया था? 1231 में, ठीक है, इस मकबरे का निर्माण कराया गया था 1231 में। बखर क्या है? बखर क्या है? तो इसका जो आंसर जाएगा ये जाएगा एक रचना का एक साधन है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर वन, इतिहास रचना के एक वर्णात्मक साधन के रूप में बखर का नाम जाना जाता है, क्या? बखर। क्वेश्चन नंबर 58 देख लेते हैं अब हम, ये है आपका दारा शिकोह को मुलहिद किसने कहा था? दारा शिकोह को मुलहिद किसने कहा था? तो इसका आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर वन, औरंगजेब ने, किसने? औरंगजेब ने, ठीक है। तो दारा शिकोह को मुलहिद जो है औरंगजेब ने कहा था, और लेन पुल का जो दारा शिकोह है उसको लघु अकबर भी इसको कहा जाता है, इसको दारा शिकोह को क्या कहा जाता है? लघु अकबर, ठीक है, दारा शिकोह को लेन पुल ने, या कह सकते हैं कि लेन पुल जो है उसने दारा शिकोह को लघु अकबर कहा है, किसने कहा है? लेन पुल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59, दक्षिणी भारत में स्थित निम्नलिखित स्तूप जो है उनके अवशेष जो है उसमें दशरथ जातक का शिल्पांकन प्राप्त हुआ है, तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा आपका कौन सा नंबर? ऑप्शन नंबर वन, नागार्जुन कोंडा, नागार्जुन कोंडा। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से किसके प्रयासों द्वारा मद्रास प्रेसिडेंसी में देवदासी प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया, यानी इस जो प्रथा है देवदासी प्रथा इसको खत्म कर दिया गया? तो इसका जो आंसर गया वो गया आपका ऑप्शन नंबर वन, मुट लक्ष्मी रेड्डी, ठीक है ना। 60 का आंसर है क्या आपका? वन। नेक्स्ट देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 61। तो 61 में क्या है आपका? चालुक्य और होयसल वंश के जो मंदिर हैं वो किस शैली में निर्मित हैं? तो इसका आंसर जाएगा वेसर। ये कौन सी शैली कही जाती है? वेसर या फिर वेसर शैली में। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62 है आपका। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस भाषा में विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय ने अपने सुप्रसिद्ध ग्रंथ अमक्ता मल्यादा की रचना की? तो इसका जो आंसर है वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए या फिर ऑप्शन नंबर वन, तेलुगु भाषा में, ठीक है, कौन सी भाषा में? तेलुगु भाषा में, तेलुगु भाषा में था ये तेलुगु ग्रंथ, ठीक है। और इसमें उन्होंने अपने राजनीतिक विचार और प्रशासकीय जो नीतियां थी उनके बारे में बात की है, ठीक है, राजस्व की बात भी इसमें की गई है। क्वेश्चन नंबर 63 देख लेते हैं, वह कौन सा हिंदू चित्रकार था जो जहांगीर द्वारा ईरान के शाह अब्बास प्रथम का छायाचित्र बनाने के लिए उसको भेजा गया था? तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 3, बिशन दास। कौन? बिशन दास, ठीक है। और ये किसका चित्रकार था? जहांगीर का। तो जहांगीर ने अपने बहुत बढ़िया एक चित्रकार जिसका नाम क्या था? बिशन दास, को अपने दूत था उसका जहांगीर का, इसका नाम क्या था? खान
आलम। उसके साथ नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर सिविक्स के क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर वन हमने देख ही लिया है, क्वेश्चन नंबर टू है भारतीय संविधान को निम्नलिखित में से कौन से अनुसूची राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित है। इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा सा, है ना, और कर लेते हैं। तो भारतीय संविधान को निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची राज्यसभा में राज्यों के आवंटन से संबंधित है, तो बताइए कौन सी, तीसरी, चौथी, पांचवी या फिर छठी। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर टू, चौथी अनुसूची जो है इस बारे में बात करती है। फिर है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर थ्री, निम्नलिखित में से अनमेल को बताइए, यानी जो मिलान करना है और ये जो बिल्कुल गलत है आप उसको बताना है। तो इसका जो आंसर जाएगा ये जाएगा आपका थ्री, नेहरू बोस। ठीक है, यह बिल्कुल भी नहीं बनता, दोनों ही अलग अलग विचारधारा के नेता थे। नेहरू जो थे वो कौन से विचारधारा को मानते थे, ये मानते थे समाजवादी व्यवस्था में इनका विश्वास था, और बोस जो है इनका अलग तरीके से ये था। ठीक है ना, तो मेनली जो इनमें है डिफरेंस है किसका, विचारधारा का। क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं, निम्नलिखित में से एक मुख्यमंत्री का राज्यपाल के प्रति कर्तव्य नहीं है, एक मुख्यमंत्री का राज्यपाल के जो प्रति कर्तव्य होता है वो नहीं है। तो इसके जो ऑप्शन देखिए और आंसर बताइए, इसका जो आंसर जाएगा फोर का ये जाएगा वन, अपने दल की नीतियों के बारे में सूचित करना। ठीक है, और अनुच्छेद 167 जो है उसके अनुसार मुख्यमंत्री का कर्तव्य क्या है, वो अलग अलग चीज है। मुख्यमंत्री का कर्तव्य है प्रशासन संबंधी जो मंत्रिपरिषद के जितने भी चीज है वो राज्यपाल को बताएगा, इसके अलावा राज्य के जो कार्य है उसमें प्रशासन संबंधी जो भी विषय है या फिर प्रस्थापना है उनसे संबंधी जो जानकारी है वो देगा, इसके अलावा चीजें हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो दल की नीतियों के बारे में उसको सूचित करेगा। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर फाइव, तो फाइव यहाँ पर भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति का सूचना का अधिकार दिया गया है उसको। तो इसका जो आंसर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका थ्री, ठीक है, ऑप्शन नंबर थ्री जाएगा। थ्री में क्या है, अनुच्छेद आपका, अनुच्छेद नंबर क्या है यहाँ पर 78, ठीक है, अनुच्छेद नंबर क्या है आपका ये 78, और इसके अनुसार प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा कि वो संघ के जो भी कार्य हैं उनके प्रशासन संबंधी जो कार्य है फिर विधान जो विषय है उससे संबंधित सारी चीजों को राष्ट्रपति के सामने सूचित करेगा। निम्नलिखित में किस अधिकार का वर्णन डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान के हृदय और आत्मा के रूप में बोला है। सिंपल सी बात, आपसे पूछा गया कि संविधान का हृदय किसको बोला गया है, तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फोर, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी आपके अधिकारों का हनन होता है तो आप कोर्ट वगैरह जा सकते हैं। गांधी जी आत्मकथा का जो शीर्षक है वो बताइए, गांधी जी की आत्मकथा का जो शीर्षक है उसके बारे में आपको बताना है, तो ये है आपका ऑप्शन नंबर फोर, सत्य के साथ मेरा प्रयोग, ठीक है, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एट, संप्रभुता एक विशिष्टता है, तो ये जो है ये इसके के कौन सी चीज के साथ इसका जो मेल बैठता है, ये है राज्य की, क्या राज्य की, तो प्रभु सत्ता या फिर कह सकते हैं संप्रभुता राज्य का एक अनिवार्य लक्षण है, किसका, राज्य का एक अनिवार्य लक्षण है, संप्रभुता एक विशिष्टता है, विशेषता है किसकी, राज्य की। क्वेश्चन नंबर नाइन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है, कौन सा कथन बिल्कुल सही है, तो इसमें सही वाला कथन है थ्री, लॉक ने सरकार और राज्य में विभेद किया है। क्वेश्चन नंबर टेन देखते हैं, वर्तमान में लोकसभा की बैठक के लिए क्या गणपूर्ति है, वर्तमान में लोकसभा की बैठक के लिए क्या गणपूर्ति है, तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर टू, 55 सदस्य गण। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य की उत्पत्ति की सही व्याख्या करता है, तो इसका आंसर देखते हैं क्या है, इसका आंसर है यहाँ पर विकासवादी सिद्धांत, कैसा सिद्धांत है, विकासवादी सिद्धांत, 11वें का आंसर यहाँ पर तीन है। तो ये जो विकासात्मक सिद्धांत है इसको एक और सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, ऐतिहासिक सिद्धांत के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है, और इसी तरीके से ये पूरा ऐतिहासिक विकास का एक क्या है, परिणाम मानता है इसको। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं आप, उदारवाद का मूल तत्व क्या है, तो इसका जो मूल तत्व है वो है व्यक्तिक स्वतंत्रता। जब भी हम लिबर्टी की बात करते हैं या लिबरलिज्म की बात करते हैं, उदारवाद की बात करते हैं, तो
व्यक्तिगत स्वतंत्रता यानी हर एक व्यक्ति के अपने कुछ कर्तव्य वगैरह हैं, ये सब चीजें ध्यान में रखते हैं, ठीक है, उनकी स्वतंत्रता की सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, निर्वाचन के बाद सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है कितने टाइम के बाद? तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा 3, 1 वर्ष के बाद। क्या? 1 वर्ष के बाद, ठीक है, प्रस्तुत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से किस मुकदमे में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान का जो मूल ढांचा है, मेन स्ट्रक्चर है, उसके सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, यानी उनको संविधान के मूल ढांचे के ऊपर बात करनी पड़ी थी इस मुकदमे के बाद। तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। और ये मामला कब का है? 1973 का। कब का है? 1973 का, बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक है। तो 1973 में केशवानंद भारती बनाम कौन है, ये केरल राज्यवाद के निर्णय में गोलकनाथ बनाम राज्य के निर्णय को क्या कर दिया गया था? निरस्त किया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं, सरकार का व्यवस्थित वर्गीकरण सबसे पहले प्रस्तुत किसने किया था? सरकार का व्यवस्थित वर्गीकरण सबसे पहले प्रस्तुत किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ठीक है, अरस्तु द्वारा ये चीज की गई थी। किसके द्वारा? अरस्तु के द्वारा, यानी अरस्तु ने ही सबसे पहले शासन के जो अंग हैं उनको क्या किया था, कुछ भागों में बदला बांट दिया था, जैसे कि विधायी, कार्यकारी और न्यायविद, और न्यायविद, इन तीन अंगों में इसका वर्गीकरण किया था। क्वेश्चन नंबर 16 अब यहाँ पर हम देखते हैं, प्रभु सत्ता के एक तत्ववादी जो सिद्धांत है उसका जो प्रतिपादन है वो किसने किया था? तो इसका आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, ऑस्टिन ने। किसने? ऑस्टिन ने, ठीक है। तो प्रभु सत्ता का जो कानूनी सिद्धांत है, जॉन ऑस्टिन जो है वो इसकी देन है, महत्वपूर्ण नाम है यहाँ पर जॉन ऑस्टिन। उसने 1832 में, ऑस्टिन की एक बुक है 1832 में आई थी, प्रकाशित हुई थी, और बुक का नाम है लेक्चर्स ऑन ज्यूरिसप्रूडेंस, ठीक है, ज्यूरिसप्रूडेंस। इसमें उन्होंने एक तरीके से वैधानिक जो प्रभु सत्ता है उसकी बात की थी, और इसी में इन्होंने किसकी बात की थी, एकांत तत्ववादी बात भी की थी इस सिद्धांत के बारे में। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में निम्नलिखित में से कौन भाग नहीं लेता है? तो इसका जो आंसर जाएगा आपका वो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर 4, विधान परिषदों की निर्वाचित सदस्य इसमें पार्टिसिपेट क्या है, नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं, यहाँ पर प्रन्यास जो सिद्धांत है उसका प्रतिपादन किसने किया था? तो आप देख सकते हैं, जैसे जैसे आप क्वेश्चन पेपर्स देखेंगे तो आप डिफिकल्टी लेवल देखेंगे कि कहाँ पर, क्योंकि कई बार क्या होता है, हमेशा ही इन चारों सब्जेक्ट में कोई एक पोर्शन बहुत ज्यादा ऐसा आता है, बहुत टफ आता है, ठीक है। प्रन्यास जो सिद्धांत है उसका प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, महात्मा गांधी। किसने? महात्मा गांधी। इसका प्रतिपादन किया प्रयास सिद्धांत, इसका प्रतिपादन किया किसने? महात्मा गांधी ने, ठीक है। और उन्होंने बोला कि जो संपत्ति के बारे में उन्होंने बात की कि संपत्ति व्यक्ति के निजी नियंत्रण में रहनी चाहिए, लेकिन स्वयं को उसका संरक्षक माने, उसका स्वामी नहीं। तो इन्होंने बोला कि हमें संपत्ति का खुद को स्वामी नहीं, उसका संरक्षक मानना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, संयुक्त राष्ट्र का कौन सा अंग जो है वो 1994 से कार्यशील नहीं है? तो इसका जो आंसर है वो जाएगा आपका 4, न्यासी परिषद, ठीक है, न्यास परिषद या फिर न्यासी परिषद। 19 का आंसर जाएगा आपका क्या? 4, ठीक है। तो आपको पता ही है कि न्याय पद्धति के को ग्रहण किया गया था इसके द्वारा, और न्यास समिति जो है इसका निर्माण किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है, ये रहा 20। किसको भारत में अशांति का अग्रदूत माना जाता है? अशांति का अग्रदूत भारत में किसको माना जाता है? तो आंसर जाएगा 1, बाल गंगाधर तिलक को, ठीक है ना, बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है अशांति का अग्रदूत। और यह बात किसने बोली थी? विलोटाइन शिरोल ने। यह बात किसने बोली थी? यहां पर लिख देती हूँ, यह बात किसने लिखी थी, बोली थी? विलोटाइन शिरोल ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, किसने कहा कि राष्ट्र दैविक आदर्श की अभिव्यक्ति एवं उसका रहस्य उद्घाटन करता है? तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अरविंद ने।
ठीक है, किसने? अरविंद, अरविंद घोष। ठीक है, इन्होंने क्या बोला था कि राष्ट्र दैविक आदर्श की अभिव्यक्ति एवं उसका रहस्य उद्घाटन है। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से मार्क्स के अनुसार कौन ऐतिहासिक परिवर्तन का मुख्य कारक है? तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 3, वर्ग। ठीक है, वर्ग, क्योंकि उन्होंने हमेशा क्या बोला है कि मानव समाज की जो समस्याएं हैं उसमें उनको समझने की कोशिश करनी चाहिए, तो उन्होंने वर्ग की बात बेसिकली की थी। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। यहाँ पर समाजवाद एक शब्द है, इसका प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया? तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा रॉबर्ट ओवेन, रॉबर्ट ओवेन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 24 हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 24, राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाता है, राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाता है, तो इसका जो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, राजनीतिक दल, विधान पालिका और संविधान। इसकी तीन इंपॉर्टेंट इसके साथ रिलेट करते हैं चीजें। राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाता है किसके द्वारा? राजनीतिक दल, विधान पालिका और संविधान के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं अब हम। तो 25 में बोला गया, भारत एक क्या है? गणराज्य है। क्योंकि देखिए, आप क्या आप मुझे कमेंट सेक्शन में सॉरी, क्या आप मुझे कमेंट सेक्शन में लोकतंत्र और गणराज्य में डिफरेंस बता सकते हैं? बताना जरूर, ठीक है, बहुत बड़ा लेक्चर देने की जरूरत नहीं है, एक लाइन ही काफी है बताने के लिए, एक दो लाइन में आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर रहेगा आपका 4, भारत में राज्याध्यक्ष राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। भारत एक गणराज्य है क्योंकि भारत में राज्याध्यक्ष राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं अब हम। धन विधेयक को परिभाषित किया गया है कौन से अनुच्छेद में? तो इसका जो आंसर जाएगा आपका वो जाएगा 1, अनुच्छेद 110 में। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है, जिसमें कि काफी सारी चीजें मेंशन की गई हैं। 26 के बाद क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं हम। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लोकमान्य तिलक ने नहीं लिखी है? तो इसका जो आंसर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, हिंद स्वराज। ठीक है, हिंद स्वराज, तो 27 का आंसर है 1, हिंद स्वराज। लोकमान्य तिलक की जो पुस्तकें हैं उसमें गीता रहस्य है, द ओरियन है, और अक्रेटिक होम इन दी वेदास ये भी है। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। केंद्र तथा राज्यों के मध्य जो विवाद है उसके अंतर्गत क्या चीजें हैं? इसमें ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही रहेगा, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, कौटिल्य का जो मंडल सिद्धांत है वो किससे संबंधित है? तो ये जो सिद्धांत है ये संबंधित है किससे? ये संबंधित है विदेश नीति से, क्योंकि इसमें राजा की विदेश नीति क्या रहनी चाहिए, काफी सिद्धांत मंडल सिद्धांत दिए हैं, तो मंडल सिद्धांत में काफी सारी चीजें हैं, तो विदेश नीति से संबंधित है ये मंडल सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत 6 वर्ष से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा मौलिक अधिकार बना दी गई? तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 86, यानी 86वां जो संविधान संशोधन था उसके द्वारा ये किया गया। क्वेश्चन नंबर 31 है, होब्स के लेवियाथन जो है उसमें प्रयुक्त कॉमनवेल्थ शब्द का अर्थ बताइए जरा क्या है? तो इसका आंसर जाएगा क्या? इसका आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, समाज, राज्य एवं सरकार के लिए सामूहिक नाम। क्वेश्चन नंबर 32 है हमारे पास, आधुनिक दल व्यवस्था का उद्भव प्रथमतः कहाँ हुआ था? आधुनिक दल व्यवस्था का जो उद्भव है वो प्रथमतः कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, इंग्लैंड में। क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं। ग्राम पंचायत अपने सभी कार्यों के लिए किसके प्रति उत्तरदायी है? तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, ग्राम सभा के प्रति ये उत्तरदायी है। ग्राम पंचायत अपने सभी कार्यों के लिए किस पर उत्तरदायी है? ग्राम सभा के प्रति। ठीक है ना, नेक्स्ट देख लेते हैं अब हम। ये हमारे पास क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, ये क्षेत्र समिति नहीं, क्वेश्चन नंबर 34 है, ये तो ऑप्शन था हमारा। क्वेश्चन नंबर 34 है, एक राज्य जो अपने नागरिकों को अधिकतम सामाजिक सुविधाएं प्रदान करे वो क्या कहलाता है?
एक राज्य जो अपने नागरिकों को सबसे ज्यादा सामाजिक सुविधाएं प्रदान करे वो राज्य किस तरीके का राज्य कहलाएगा? तो वो कहलाएगा एक कल्याणकारी राज्य। कैसा राज्य? कल्याणकारी राज्य। नकारात्मक क्वेश्चन नंबर 35, जो नेगेटिव आपका फ्रीडम है यानी नकारात्मक स्वतंत्रता है उसकी जो अवधारणा है वो किस एक पर बल देती है, यानी किस बात पर बल देती है, कौन सी चीज के बारे में बात करती है? तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 3, हस्तक्षेप की अनुपस्थिति, यानी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 36 पर आ जाते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा जो शब्द है वो संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? ठीक है, तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, संघीय। न्याय व्यक्ति की गरिमा और बंधुत्व तो उसमें शामिल है प्रस्तावना में, लेकिन संघीय शब्द शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 37, भारत के उपराष्ट्रपति को कौन पदमुक्त कर सकता है? तो पदमुक्त करने का जो राइट है वो किसके पास है? इसका आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, राज्यसभा व लोकसभा। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा मार्क्सवादी से संबंधित नहीं है? तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, यदमात्यम। इतिहास की भौतिकतावादी व्याख्या का मतलब होता है कहीं ना कहीं मार्क्सवाद, वर्ग संघर्ष भी मार्क्सवाद और अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत भी मार्क्सवाद में दिया गया है, लेकिन यदमात्यम जो है उसने मार्क्सवादी कोई भी सिद्धांत से वो रिलेट नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 39 है हमारे पास, किसी प्रांत के राज्यपाल को उसके अधिकार की अगर हम बात करें तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कुछ निश्चित मामलों में विवेकाधिकार यानी विशेष अधिकार प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 40, अंबेडकर के सामाजिक व राजनीतिक दर्शन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू क्या है? तो इसका जो है ऑप्शन वो देख लेते हैं हम, पहले कानूनी न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक या फिर सामाजिक न्याय। तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, सामाजिक न्याय। क्वेश्चन नंबर 41, भारतीय संविधान की दार्शनिक आधार भूमि है यानी भारतीय संविधान जो है उसका जो दार्शनिक आधार है वो क्या है? तो इसका आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, प्रस्तावना। मेनली इसमें प्रस्तावना में ही सारी बात कह दी गई है। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से किस रिक्त का शाब्दिक अर्थ होता है, हम आदेश देते हैं, हम आदेश देते हैं? तो इसका जो आंसर है वो है आपका 42 का 1, परमादेश। परमादेश का मतलब होता है हम आदेश देते हैं, एक तरीके क्या होती है, रिट। क्वेश्चन नंबर 43, किसने सामाजिक संविदा सिद्धांत की घटिया इतिहास, घटिया दर्शन और घटिया विधि के रूप में आलोचना की है? ठीक है, संविदा सिद्धांत की आलोचना की गई है उसको क्या बोला गया, घटिया इतिहास, घटिया दर्शन और घटिया विधि। तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा 1, सर हेनरी मैन, सर हेनरी मैन ने। क्वेश्चन नंबर 44 है यहाँ पर, अध्यक्षात्मक शासन का सैद्धांतिक आधार क्या है? तो इसका सैद्धांतिक आधार है शक्तियों का पृथक्करण यानी सेपरेट कर देना, सेपरेशन। क्वेश्चन नंबर 45 है, संविधान की 12वीं अनुसूची किसके कार्यों से संबंधित है? तो ये संबंधित है किसके कार्यों से, नगर पालिकाओं के कार्यों से। 12वीं अनुसूची किससे रिलेटेड है, नगर पालिकाओं से। क्वेश्चन नंबर 46 है यहाँ पर, सामाजिक संविदा सिद्धांत के अनुसार क्या एक किस तरीके की एक संस्था है, राज्य? तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, राज्य एक मानवकृत संस्था है, ठीक है, जिसमें सबके सब समझौते के साथ जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्नलिखित में से कौन सी जो संस्था है वो लोक शिकायतों से संबंधित नहीं है? किससे? लोक शिकायतों से संबंधित नहीं है। तो इसका सबसे पहले तो हम इसके ऑप्शन ही देखेंगे, तो इसमें पहला है आपका योजना आयोग, दूसरा है लोकायुक्त, तो उच्चतम न्यायालय और फिर उच्चतर न्यायालय। तो इसका जो आपका आंसर जाएगा वो जाएगा आपका 1, योजना आयोग, ठीक है, योजना आयोग। 48 क्वेश्चन है, द्विसदनवाद निम्न की शासन प्रणाली में किस एक ही एक अनिवार्य विशेषता है? द्विसदनवाद जो है वो निम्नलिखित शासन प्रणाली में से किसकी एक अनिवार्य विशेषता है, यानी इनमें से कोई एक व्यवस्था जिसकी एक विशेषता है क्या, द्विसदनवाद, ठीक है। आंसर जाएगा इसका 3, संघात्मक व्यवस्था। कैसी व्यवस्था कही जाएगी, एक संघात्मक व्यवस्था कही जाएगी। लोक का विश्वास था कि संप्रभु क्या है, लोक की अगर बात करें तो लोक का विचार था कि संप्रभु क्या है, तो इसका आंसर रहेगा आपका 2, विद्यमान कानूनों से बंधा हुआ है। कैसा ही, विद्यमान कार्यों से, कानूनों से बंधा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 50 है,
निम्नलिखित में से कौन प्राचीन भारतीय विचारकों द्वारा प्रतिपादित राज्य के सप्तांग सिद्धांत के बारे में नहीं है, यानी सात सिद्धांत, इसमें राज्य को सात अंगों के बारे में बांटकर बताया गया है कि जैसे एक शरीर में हर अंग की इंपॉर्टेंस होती है, ऐसे ही राज्य जो है, राष्ट्र जो है, वो अंगों का ही एक समूह होता है जिसका अपना अलग एक कार्य होता है और वो पूरे राज्य को चलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर टू, पुरोहित। स्वामी भी होता है, पुर भी होता है, कोष भी है, सात अंगों में पुरोहित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 51 देख लेते हैं हम यहाँ पर। एक आधुनिक राज्य संविधान के बिना राज्य नहीं, अपितु अराजकता का शासन है, यह कथन जो है ये किसका कथन है? तो आंसर जाएगा इसका थ्री, जेलिनिक। कौन है? जेलिनिक। क्वेश्चन नंबर 52 देख लेते हैं अब हम। निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा संवैधानिक सरकार की प्रकृति को ठीक से स्पष्ट करता है, यानी संवैधानिक सरकार के बारे में यहाँ पर बात हो रही है, तो इसका आंसर जो है वो क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर फोर, उपयुक्त सभी, यानी सीमित शासन है, व्यक्तियों की स्वतंत्रता के अधिकार है उनके पास, रक्षा भी होती है उसकी और व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा भी की जाती है। क्वेश्चन नंबर 53, यह कौन निश्चित करता है कि कोई विधेयक वित्त विधेयक है या फिर नहीं? तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर थ्री, लोकसभा का स्पीकर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो पूछ ही लिया जाता है अक्सर, लोकसभा का स्पीकर ये चीज डिसाइड करता है, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक दल का एक आवश्यक तत्व नहीं है, यानी एक राजनीतिक दल की विशेषता नहीं, एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि इनमें से कौन सा एक राजनीतिक दल की विशेषता आवश्यक तत्व नहीं है? तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर टू, विदेशों द्वारा मान्यता। ठीक है, विदेशों द्वारा मान्यता, ऑब्वियसली बात है, राजनीतिक दल एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, संगठन होता है, सिद्धांतों में सहमति होती है और संवैधानिक साधनों में विश्वास होता है, जबकि इसका विदेशों से कोई रिलेशन ऐसी नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 55, इनमें से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में सम्मिलित नहीं है? तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर वन, धर्म को अवाध रूप से मानने, आचरण तथा प्रचार की स्वतंत्रता। ठीक है, नीति निर्देशक में ये चीज सम्मिलित नहीं है, बाकी समान न्याय की बात हुई है, कामगारों के लिए बात हुई है, वनों की बात भी हुई है। क्वेश्चन नंबर 56 है यहाँ पर, 1936 में किसने कहा कि गांधीवाद जैसी कोई चीज नहीं होती, या गांधीवाद जैसी कोई भी चीज नहीं है? तो 56 का आंसर रहेगा आपका वन, महात्मा गांधी ने। ठीक है, गांधी जी से जब इस बारे में बात हुई तो उन्होंने कहा कि गांधीवाद जैसी कोई भी विचारधारा या कोई बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 57 है, लोक संप्रभुता के दर्शन को सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका आंसर जाएगा यहाँ पर 57 का जाएगा हमारे पास ये थ्री। ठीक है, और महात्मा गांधी ने ये बात कब बोली थी? इन्होंने बोली थी 1936 में कि गांधीवाद जैसा कुछ नहीं होता है, बोला था 1936 में। 57 का आंसर है आपका थ्री, रूसो। ठीक है, 58 देख लेते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन आत्मरक्षा का अधिकार को व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार मानता है? तो इसका आंसर जाएगा आपका 58 का थ्री, होब्स। होब्स ने आत्मरक्षा के अधिकार को प्राकृतिक अधिकार की श्रेणी में रखा था। क्वेश्चन नंबर 59, संविधान के कौन से अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि राज्य नीति के निर्देशक तत्वों को न्यायालय में नहीं ले जाया जा सकता? तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर टू, आर्टिकल नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 60 देख लेते हैं, राज्यसभा में विशिष्ट ज्ञान अथवा व्यवहारिक अनुभव संपन्न कुछ सदस्यों को मनोनीत किया जाता है और कौन से क्षेत्र से वो संबंधित होते हैं? तो इसका आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फोर, उपरोक्त सभी। ठीक है, 60 का आंसर फोर। तो ये बात कही गई आर्टिकल 81 है ब्रैकेट में। इसके अनुसार राष्ट्रपति जो है वो संविधान में 12 जो सदस्य है, ये हमारा ये चीज क्या कहते हैं कि जो राष्ट्रपति है वो राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, और ये जो है वो कौन कौन से क्षेत्र से होंगे? ये होंगे कला, समाज सेवा, विज्ञान और साहित्य वगैरह के क्षेत्र से। इसके अलावा सहकारिता, समाज सेवा, इन क्षेत्र से भी जिनमें इनका विशिष्ट रुचि हो, ज्ञान हो, वो लोग शामिल किए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 देख लेते हैं, यह कथन कि स्वतंत्रता और समानता साथ साथ नहीं रह सकते, ये किससे संबंधित है, यानी ये कथन किसने बोला है? तो ये आंसर जाएगा टू, लॉर्ड
एक्टन ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62 है, यदि सदन का सत्रावास हो रहा हो और उसे आहूत करने के लिए कौन अधिकृत है, तो इसका आंसर जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर और सॉरी ऑप्शन नंबर 4, राष्ट्रपति। लास्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर 63, किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्रियों की संख्या लोकसभा की कुल संख्या की 15% निश्चित की गई है, तो इसका जो आंसर जाएगा आपका ये जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 91th, यानी 91 जो संशोधन है, 91 वह जो संशोधन है वो इस बारे में बात करता है, ठीक है। तो ये भी हो गया है, तो क्वेश्चंस हो गए यहाँ पर, हिस्ट्री क्वेश्चंस फिनिश हो गए हैं। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। हमने यहाँ पर ये दोनों क्वेश्चंस अच्छे से पार्ट डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपको दूसरे पार्ट को देखना है तो आप वहाँ पर जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेक कर सकते हैं जब वो पार्ट आपका अपलोड हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।